डूड आज की इस वीडियो में हम लोग एक सयन हाइब्रिड को एक अर्थलिंग को कंपेयर करने वाले हैं ओमनी किंग के साथ। यस, इस वीडियो में हम गोड फ्यूजन गोकू को ओमनी किंग वेजिटा के साथ कंपेयर करके देखने वाले हैं कि दोनों के बीच में कौन ज्यादा पावरफुल है। यार सच बता रहा हूँ, गोड फ्यूजन गोकू का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। मैंने इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कभी देखा ही नहीं था, तो इस चीज के बारे में हम आगे वीडियो में बात करते हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया होगी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो। और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओमनी किंग वेजिटा की। तो वेजिटा 26 मल्टीवर्सेस का रूलर है, वो 26 मल्टीवर्सेस का ओमनी किंग है। गोकू ने वेजिटा को सबसे ताकतवर ओमनी किंग भी कहा था। वेजिटा जब ओमनी किंग नहीं बना था तो उस वक्त उसने गोड की को मास्टर कर लिया था, एंड उसके बाद उसने गोकू के सबसे ताकतवर बेटे गोहान एंड शिदो, जो 26 मल्टीवर्सेस के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर थे, उन दोनों को फाइट में डिफीट करा एंड 26 मल्टीवर्सेस पर राज करना शुरू कर दिया। दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही मजेदार ऐप के बारे में जिसका नाम है वकाओ। वकाओ एक वीडियो चैलेंजिंग ऐप है। यहाँ आप मेरी तरह ड्रैगन बॉल जी एंड साइतामा के वीडियोस को अपलोड करके चैलेंजेस कर सकते हो दूसरों लोगों के साथ। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ दूसरे लोग आपको वोट करके जिताएंगे। लाइक मैंने भी यहाँ पर एक चैलेंज अपलोड किया है, ये देखो ये मेरा चैलेंज है, तो फटाफट जाकर के मुझे भी यहाँ पर चैलेंज करो। और जिसका चैलेंज मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसको वकाओ की तरफ से 300 का गिव अवे मिलेगा, एंड मैं एक हफ्ते बाद इसी वीडियो में विनर को पिन करूंगा। एंड ये दोस्तों लीडर बोर्ड है, यहाँ विनर्स के नाम शो होते हैं। आप भी अगर यहाँ लीडर बोर्ड में आते हो तो आप वीकली रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। और एक और मजेदार बात बताता हूँ, अगर आप वकाओ को अपने दोस्तों को रेफर करते हो और अगर वो भी चैलेंजेस करते हैं तो आप दोनों को ही 20-20 रुपए मिलेंगे। तो देरी किस बात की है, जाओ वकाओ ऐप को डाउनलोड करो, चैलेंजेस करो एंड एंजॉय करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फिर वेजिटा ने सेकंड टूर्नामेंट ऑफ पावर में बाकी यूनिवर्सेस के सारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को फाइट में डिफीट करके खुद को सबसे ताकतवर वॉरियर बना दिया। एंड फिर उसने सुपर सैयन 5 फॉर्म में जाकर के यूनिवर्सेस के सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा करके खुद को एक ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरह प्रदर्शित किया। एंड उससे बढ़कर सुपर सैयन 6 ट्रांसफॉर्मेशन में उसने सैयन रेस के सबसे पावरफुल बीइंग एज़रियल, जिसको गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से, एंजल से, सभी फाइटर्स से, सभी वॉरियर्स से सबसे ऊपर बताया गया था, उसको पूरी तरह खत्म कर दिया, उसकी गॉड फॉर्म को खत्म किया। एंड फिर अपनी फाइनल फॉर्म में वो एक ट्रू ओमनी किंग बन गया। तो यस, ये कुछ सफर था उसका ओमनी किंग बनने का। एंड ओमनी किंग बनने के बाद उसकी सारी पावर्स गॉड लाइक हो गई, लाइक गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, स्टैमिना एंड सिर्फ एक टच से ही पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत, यानी कि हकाई की पावर आ चुकी थी। और उसके पास गॉड की मैनिपुलेशन, टाइम मैनिपुलेशन, स्पेस मैनिपुलेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, डायमेंशन ट्रेवल, की सेंस, पावर ऑफ क्रिएशन, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो एंटायर क्रिएशन को अपने सिर्फ एक थॉट से ही इरेज एंड रिक्रिएट कर सकता है। एंड अभी वेजिटा डिस्ट्रक्शन की पावर से पूरी तरह इम्यून है, वो रियलिटी को चेंज कर सकता है, अपनी इच्छा अनुसार रियलिटी को बदल सकता है। उसकी अभी ना तो कोई मेंटल, ना स्पिरिचुअल और ना ही कोई फिजिकल वीकनेस बची है। एंड अभी उसके पास बहुत पावरफुल अटैक्स बताए हैं, लाइक बिग बैंग, डार्क इंपैक्ट, फाइनल क्रैश, फाइनल एक्सप्लोजन एंड फाइनल फ्लैश। ये अटैक्स इतने ताकतवर है कि एंटायर क्रिएशन को खत्म कर सकते हैं। और इन सभी से बढ़कर उसको एक ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिशाली बीइंग बताया है। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट गॉड फ्यूजन गोकू की। सो बेसिकली गॉड फ्यूजन गोकू एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है तो ये नॉन कैनन, इसमें होता क्या है, जब सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में गोकू ब्रॉली के गॉड फॉर्म के साथ लड़ रहा होता है ना, तो उसमें वो ब्रॉली के साथ बिल्कुल भी अच्छी फाइट नहीं कर रहा होता है। मतलब ब्रॉली उसकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजा रहा होता है, और फिर गोकू क्या करता है, वो ऑडियंस के साथ ही फ्यूज हो जाता है, लाइक एक्चुअल ऑडियंस। डूड, थिएटर के अंदर जो एक्चुअल ऑडियंस बैठी होती है उनको देखने के लिए, वो उन्हीं के साथ फ्यूज करता है, और फिर तो वो गॉड ब्रॉली की बैंड बजा देता है। ऑडियंस के साथ फ्यूज करने के बाद सिर्फ एक ही पंच में उसने गॉड ब्रॉली को आसमान में जा फेंका था। और इतना पावरफुल पंच खाने के बाद गॉड ब्रॉली थोड़ी गोकू को यूं देखता ही रहेगा भाई, उसने भी अपने आप को बचाने के लिए एक एनर्जी स्फीयर बना लिया एंड गोकू के ऊपर अटैक करने लगा। बट गोकू इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने गॉड कामेहामेहा बनाया एंड उस गॉड कामेहामेहा ने गॉड ब्रॉली के स्फीयर को तोड़ दिया। और डूड, उस गॉड कामेहामेहा में ऐसा बताया गया कि उसने बिल्कुल थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगाया था, वो अटैक तो उसने एकदम हल्के में मार दिया था, और उस अटैक ने गॉड ब्रॉली का अस्तित्व ही मिटा दिया। गॉड गोकू की अपीयरेंस हमें कुछ ऐसे देखने को मिली है, लाइक वो देखने में बिल्कुल गोकू के सुपर सैयन ब्लू की तरह ही है, बस फर्क सिर्फ इतना आता है कि उसके जो आईब्रोज है, उसकी जो आई कलर्स है, वो ब्लैक हो चुका है।
सुपर गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड बताई गई है और उसने फोर्थ वॉल को पूरी तरह ब्रेक कर दिया है। वैसे तो मैं एक चीज यहाँ पर बता देता हूँ कि यार कोई भी कैरेक्टर होता है, चाहे वो कॉमिक्स का हो या फिर किसी भी मांगा का हो, कोई भी एनिमे का हो ना भाई, वो एक फिक्शन पैनल के अंदर ही होता है। लाइक चाहे वो ओमनीपोटेंट है, नॉर्मल सुपर हीरो है, बाकी क्रिएटर्स एंड राइटर्स की बात अलग रहती है, बट यस ये सारे फिक्शन पैनल के अंदर ही होते हैं। बट अभी गोकू की जो गॉड फ्यूजन फॉर्म है ना, उसने इस फिक्शन पैनल को तोड़ दिया, वो बाहर आ चुका है। अभी मैं इसको ये तो नहीं बोलूंगा कि वो बियॉन्ड फिक्शन हो चुका है, बट यस उसने फिक्शन पैनल को ब्रेक करा है, वो बाहर आकर के ऑडियंस के साथ फ्यूज कर रहा है। और तुम कुछ ऐसे भी समझ सकते हो लाइक वो कहीं भी जाकर के किसी भी ऑडियंस के साथ फ्यूज करके अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता है। फिर चाहे तो गॉड फ्यूजन गोकू जाकर के ओमनी किंग वेजिटा के क्रिएटर के साथ फ्यूज करके ओमनी किंग वेजिटा को इरेज भी कर सकता है, बट ये चीज बात की बात है। बट अगर हम इन दोनों के बीच में फाइट करवाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा चांसेस है गॉड फ्यूजन गोकू के जीतने के। वेल पावर एंड एबिलिटीज इसकी इतनी कुछ खास बताई नहीं है, बट इसके बारे में क्लियरली बता दिया कि यार वो फिक्शन पैनल को ब्रेक कर रहा है, वो फोर्थ वॉल के बाहर आ रहा है, वो ऑडियंस के साथ एकदम से फ्यूज कर रहा है, तो ये चीज उसकी प्लस पॉइंट है। बट उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि यार देखो उसका एक फ्यूजन है, बट उसके फ्यूजन का एक टाइम लिमिटेशन है और यही इसकी सबसे